हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आई नो ये व्लॉग बहुत लेट है, टू लेट, आई नो। सो ऐसे ही इसकी क्लिप्स कुछ पड़ी हुई थी, सो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो अपलोड किया जाए। तो फर्स्ट मैं अपना जो डिलीवरी का था वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल से घर आ रही थी, सो ये फिफ्थ डे था बेबी होने के बाद, कुछ के होने के बाद पाँचवें दिन मैं आई थी घर पर। तो जैसे कि सी सेक्शन हुआ था तो मुझे चलने में दिक्कत हो रही थी, तो मम्मी पापा साथ में आए और पीछे से हैं दादी दादू कुश के, वो कुश को लेके आ रहे हैं, आगे मेरे मम्मी पापा थे। फिर कुछ इस तरीके से हुआ हमारा वेलकम। देखो यहाँ पे फ्लावर वगैरह से डेकोरेशन किया था, जो मेरे हस्बैंड ने, मेरे भाई ने एंड मेरी दी ने, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ छोटी वाली दी, उन्होंने मिलके सारा डेकोरेशन किया था, काफ़ी अच्छा, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आई नो मेरे लिए भी था एंड कुश के लिए भी था। सो बहुत प्यारा सा उन्होंने वेलकम, डेकोरेशन, केक कटिंग वगैरह सारी चीज़ें अरेंज की हुई थी, और हमें पता भी नहीं था, और वो हमसे जस्ट पहले ही आए थे, उन्होंने काफी जल्दी किया। ये पापा मंगा रहे हैं, इसमें चिंगारी इतना प्यारा सा केक। सो गाइस, छोटी छोटी क्लिप्स है, मैं आपको दिखाऊं तो मेरे स्टिचेस में पेन हो रहा था, बिकॉज मैं थोड़ा सा स्टेट से चढ़ के आई थी, दैट्स व्हाई। सो केक कटिंग करने में भी दिक्कत हो रही थी, तो दीदी ने क्या किया, दीदी ना ये जो ले आई थी पहनाने के लिए, तो ये मॉम टू बी का बनाने के लिए लाई थी, तो पापा पूछने लगे ये क्या है, इसको भी पहना दो। तो दीदी ने बोला कि ये मॉम टू बी का था, तो पापा कह रहे कि सिर्फ मॉम मॉम का आगे रहने दो और टू बी का पीछे कर दो और पहना दो ऐसे करके। सो पहना दिया, एंड जैसे कि सभी को पता है कि उस टाइम पर बहुत ज्यादा ठंड थी, दिसंबर का टाइम था, इसलिए मैंने अच्छे से अपने आप को कवर किया हुआ है। जैसे कि लोग बोलते हैं, बड़े बूढ़े लोग बोलते हैं कि अपने आप को डिलीवरी के बाद अच्छे से कवर करके रखना चाहिए। सो गाइस ये देखो इतना प्यारा वेलकम, डेकोरेशन वगैरह सारी चीजें हमारी हुई काफी अच्छे से। ये हैं हमारे पापा जी और फादर इन लॉ, और ये हैं दीदी, जो छोटी वाली दीदी जिन्होंने फोन लिया हुआ है हाथ में। सो काफी अच्छा लगा और काफी स्पेशल फील कराया सभी लोगों ने। मेरे स्टिचेस में बहुत ज्यादा पेन था, तो मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा था। यहाँ पे ये मम्मी है मेरी बाहर ब्लैक साड़ी में। सो फिर हम लोग दूसरे कमरे में गए, दूसरे कमरे में भी उन्होंने काफी अच्छी डेकोरेशन की हुई थी हमारे बेड पे। ये देखो वेलकम लिखा हुआ था, एंड दूसरे कमरे में जहाँ पे मेरे लिए डेकोरेशन की थी, लेटने बैठने का अरेंजमेंट किया हुआ था, काफी प्यारा सा और काफी अच्छी तरीके से डेकोरेट किया था, जैसे कि आपको दिख रहा है। सो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो दीदी, वैसे तो मैंने आपको थैंक यू बोला है, पर वीडियो आप देखोगे, सो अगेन थैंक यू सो मच इतना प्यारा सा सरप्राइज देने के लिए, इतनी अच्छी डेकोरेशन करने के लिए। सो गाइज, नेक्स्ट डे की गई छठी की तैयारी। सो यहाँ पर ये छोटी वाली दी लेकर आई थी कुछ के लिए कपड़े, क्योंकि बुआ लेकर आती है ऐसा बोलते हैं आई थिंक। सो बुआ लेके आई थी कुछ के लिए कपड़े, और उसके बाद ये चीजें लेकर आई थी उसको पहनाने के लिए। सो एक एक करके दीदी ने कुछ को रेडी किया था, क्योंकि छठा दिन था, क्योंकि फिफ्थ डे आए थे, नेक्स्ट डे ही छठी थी। सो मैं सोचा क्यों ना छठी और वेलकम एक साथ ही अपलोड कर देती हूँ, ठीक है, सो आपको पता चल सके। सो दीदी ने और कुश की दीदी ने, मेरी दीदी ने और कुश की दीदी ने, मीन जियानची ने, दोनों ने मिलकर किया कुश को रेडी अच्छे से। उसके बाद छठी में क्या क्या होता है हमारे यहाँ, छठी में ज्यादा कुछ नहीं होता, कुछ रीजंस हैं कभी और बताऊंगी। ऐसा होता है कि सिर्फ काजल लगाया जाता है, एंड रात के टाइम गीत वगैरह होते हैं, और जो बांटा जाता है मीन्स लड्डू वगैरह दिए जाते हैं। सो फिर लगाया कुश के काजल मम्मी ने, वैसे तो मे बी शायद बुआ लगाती हैं, पर हमारे यहाँ इनके यहाँ पर बोलते हैं कि हमारे यहाँ दादी लगाती हैं, तो इन्होंने मम्मी ने लगाया था काजल कुश के, मींस कुश की दादी ने कुश को काजल लगाया था। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब के काजल लगा दिया, एंड कुश फर्स्ट टाइम लगा था,
तो वो थोड़ा सा आंखों में लग रहा था, क्योंकि ये काजल ना वैसे लगाया जाता है जो दिए का होता है ना कुछ उस टाइप का सा, तो उससे लगाया जाता है। उसके बाद फिर लगाया जियांशी के काजल, उसको भी आंखों में लग रहा था, क्योंकि ना ये कुछ अंदर ना कुछ किरकिरा सा होता है और फिर आंखों में ना लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ अंदर धूल मट्टी चली गई है। फिर मम्मी ने मेरे भी आंखों में लगा दी, ठंड का टाइम था जैसे कि आप देख रहे हैं, तो आंखों में मम्मी ने मेरे भी काजल लगा दिया और मेरे भी वो बहुत ज्यादा लग रहा था आंखों में। उसके बाद सब कुछ होने के बाद शाम को जो रिलेटिव्स हैं, एक दो मेरी ताई हैं, मौसी हैं, नानी वगैरह हो गई, वो सब और बाकी ये सब लोग थे जो गली मोहल्ले के थे और ये उन सब के बच्चे हैं, तो ये सब लोग आए थे। और फिर शाम को हुए गीत, तो गाइज ये था पूरा व्लॉग, गीत वगैरह हुए और उसके बाद सभी को बताशे वगैरह लड्डू वगैरह बांटे गए। व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड गाइज इसके बाद मैं जो व्लॉग अपलोड करूँगी, अब मैं सारे व्लॉग एक साथ अपलोड कर दूँगी, जो इसके बाद मैं व्लॉग अपलोड करूँगी वो व्लॉग होगा नामकरण का व्लॉग, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।